स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर वेदांत अकाउंटेंसी क्लास। सो आज हम बात करने वाले हैं व्हिच आर द टिप्स व्हिच यू शुड फॉलो टू स्टडी अकाउंटिंग। कौन से बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी अभी 11th में आए हैं एंड दे हैव लाइक स्टार्टेड स्टडिंग अकाउंट्स, तो क्या अप्रोच आपको स्टार्टिंग से लेना चाहिए और कैसे तैयारी करनी है, सारी बातें आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन कि पूरे ईयर हमें किस तरीके से अकाउंटिंग को पढ़ना चाहिए, राइट? So let's discuss our some tips and I am also going to discuss the syllabus, the CBSE syllabus of class 11th accounting in this session, right? So let's move and let's understand कि नए नए जो हमारे आए हैं 11th में students, पहली बार पढ़ रहे हैं accounting, तो accounting को किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, किस तरीके से approach करना चाहिए from the first day, ये सारी बातें आज के session में, आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला स्टेप ऑफ कोर्स बेटा क्या है कि आपको क्या रहेगा बेटा, हर चैप्टर के ना कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, हर चैप्टर के कुछ ना कुछ कंसेप्ट्स होते हैं। इवन इट इज प्रैक्टिकल और ऑफ कोर्स थ्योरेटिकल में तो कंसेप्ट्स ही कंसेप्ट्स है, बट जितने भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स होते हैं उसमें भी कंसेप्ट्स होते हैं। तो अप्रोच क्या होता है बेटा अकाउंटिंग को करने का, पहले आपने कंसेप्ट समझा, ठीक है, फिर उसको दोबारा समझा, फिर व्हाटएवर क्वेश्चंस यू आर गेटिंग गेट देम क्लियर, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करनी है उसकी प्रैक्टिस। कैसे प्रैक्टिस करनी है, नोट्स, पहले तो नोट्स आपने बनाए कॉन्सेप्ट्स के, राइट? पहले आपने नोट्स बना लिए सारे कॉन्सेप्ट्स के, फिर आपने नोट्स कॉपी पढ़ी बिफोर यू आर स्टार्टिंग टू डू द क्वेश्चंस, पूरी नोट्स कॉपी में से रिवाइज किया कि हाँ इस चैप्टर के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, देन फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, देन द सेम प्रोसीजर इन द नेक्स्ट चैप्टर, कॉन्सेप्ट समझे, उसके नोट्स बनाए, फिर वो प्रैक्टिस कर लिया, फिर से कंसेप्ट समझे, उसके नोट्स बनाए, फिर वो प्रैक्टिस कर लिया, राइट? अब ये अगर आप प्रोसीजर एक सिंपल सा फॉलो करते जाओगे तो आपको अकाउंटिंग समझ आता जाएगा, है ना? वरना आपने ये किया कि पहला चैप्टर कर लिया, उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए, नोट्स कॉपी नहीं मेंटेन करी, तो इट इज ह्यूमन नेचर बेटा, आप एक टाइम पे आके पहले चैप्टर को भूल ही जाओगे। सो क्या करना है, नॉर्मली हमने ईजी लेके चलना है, कंसेप्ट किया, समझा पूरा अच्छे तरीके से, सोचा समझा, जोड़ा घटाया, नोट्स बनाया, फिर क्वेश्चंस किए नोट्स कॉपी पढ़ने के बाद, फिर क्वेश्चंस भी अपने आप निकलते जाएंगे, राइट? आई हैव सीन स्टूडेंट्स की सीधा बुक खोल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठ गए, उसके बाद सॉल्व ही नहीं हो रहा, आंसर ही नहीं आ रहा है, फिर कह रहे हैं कि हमें अकाउंट्स तो अच्छा ही नहीं लगता, अकाउंट्स इज वेरी डिफिकल्ट, अकाउंट्स तो सबसे टफ है। अरे जस्ट फॉलो द प्रोसीजर ना बेटा, यू विल लाइक फील इट कि हाँ यार अगर हम ये फॉलो कर रहे हैं तो इतना डिफिकल्ट कहीं भी कुछ भी नहीं है, राइट? So this is the first step and the whole procedure of doing accounting, right? Second thing which I want to tell you all, of course, make accounts your everyday subject. है ना, accounts बेटा everyday subject है, रोज थोड़ा थोड़ा अपना time accounts को देना है। Starting में like 1 hour 30 minutes से शुरू करो, फिर 2 hours 1 hour थोड़ा थोड़ा हर दिन देते रहो, तो फिर क्या problem रहेगी, है ना? कोई problem रोक ही नहीं सकती, कोई आपको रोक ही नहीं सकता, sky is your limit, of course, you are going to get फुल मार्क्स अगर आप ये कर रहे हो तो, राइट? ठीक है जी, तो थर्ड चीज क्या है, द थर्ड इंपॉर्टेंट टिप इज अप्लाई इट विद योर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। सो बेटा आप लोग जब थोड़ा बहुत अकाउंट्स को स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करोगे ना, आप लोग देखोगे कि हाँ दीज वर्ड्स आई एम ऑल्सो यूजिंग इन माई रियल लाइफ, राइट? जैसे क्रेडिट हो गया, आप क्रेडिट पे कितनी बार तो चीजें लेते हो, पासबुक आएगी आपकी, पासबुक आप अपने खुद अपने पेरेंट्स की अपनी पासबुक चेक कर सकते हो कि हाँ क्या क्या पासबुक में क्या क्या पोस्टिंग्स होती हैं, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन रिलेट इट टू योर रियल लाइफ एज वेल, और आप समझोगे पूरा सोल प्रोपराइटर किस तरीके से अपना बिजनेस रन करता है। तो इफ यू हैव सीन एनी सोल प्रोपराइटर, इफ समबडी इज अराउंड यू हु इज रनिंग अ सोल बिजनेस, तो आप उससे पूछ सकते हो कि आप मुझे अपनी बुक्स दिखाना, मुझे देखनी है आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, राइट? सो कैपिटल हो गया कि ओनर कितना मनी स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करता है, तो ये भी इफ समबडी इज रनिंग बिजनेस अराउंड यू, यू कैन आस्क देम हाउ मच मनी यू इन्वेस्टेड इनिशियली एंड हाउ मच यू इन्वेस्ट इन द मिडल ऑफ इयर्स। सो ये सारी चीजें आप अकाउंटिंग की रियल लाइफ एग्जाम्पल से टोटल टोटल रिलेट कर सकते हो, या आपके आसपास हो रहे होंगे कहीं ना कहीं चीजें, तो आप बिल्कुल वहां से रिलेट करो, पूछो अगर आपका कोई अराउंड बिजनेस है या आपका कोई फैमिली बिजनेस है, तो अपने आप अपनी बुक्स रीड करनी शुरू करो, यू विल लव द सब्जेक्ट, यू विल एंजॉय द लर्निंग, राइट? तो ये बिल्कुल आपको करना चाहिए। कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स में आप ये चीज कर सकते हो बेटा, तो अपने आप आपको सब्जेक्ट अच्छा लगने लगेगा, आप पढ़ने लगोगे, और फिर ऑफकोर्स यू आर गोइंग टू गेट बैक द रिटर्न्स, है कि नहीं?
ऑफकोर्स, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, एक की प्रॉपर नोट्स कॉपी बनाना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। एक नोट्स कॉपी अच्छी सी सुंदर सी ना बन पाए तो कोई बात नहीं, फिर भी एक नोट्स कॉपी जिसको आप पढ़ सको खुद, दैट इज इनफ, वो आप मेंटेन कीजिए, राइट? जब भी आपको वो चैप्टर रिवाइज करना है, नोट्स कॉपी से कंसेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन किए, कंसेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन किए, कंसेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन किए, काम चलता जाएगा, राइट? आई डोंट बिलीव इन द र्यूमर्स बेटा, योर सीनियर्स, सम ऑफ द सीनियर्स, दे आर गोइंग टू टेल यू कि अकाउंट्स तो सबसे हार्ड है, तो यू आर गोइंग टू फर्स्टली गिव इट अप कि छोड़ यार ये सब्जेक्ट तो बेकार है, दिस सब्जेक्ट इज डिफिकल्ट। तो उस अप्रोच से अगर स्टार्ट करोगे कि सब्जेक्ट तो डिफिकल्ट है, मुझसे तो होगा ही नहीं, इसमें तो मैथ्स होती है, अगर ये प्रेशर लेके आप स्टार्ट करोगे सब्जेक्ट को, तो फिर तो सब्जेक्ट आपसे, आप उसको डरा रहे हो, वो आपको डरा रहा है, कोई क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे और आंसर्स भी नहीं निकलेंगे फिर ऐसे। तो ये र्यूमर्स की बातों में मत सुनो किसी की, कि जो बच्चे बोल रहे हैं या फिर कुछ सीनियर्स जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए होंगे तो वो यही बोलेंगे कि अकाउंट्स तो बहुत टफ है, अकाउंट्स तो होता ही नहीं है। तो ये सारी बातों में बिलीव करने का जरूरत नहीं है अगर कोई ऐसा बोलता है, बट आई डोंट थिंक कि अभी कोई ऐसा आपको बोलेगा, बट स्टिल अगर आप ऐसे को सुनने में मिलता है या कोई भी आपको बोलता है, तो इस बात को बिलीव नहीं करना है। हम अपना स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू करेंगे और धीरे धीरे अपना क्वेश्चंस करते करते, कंसेप्ट करते करते, एंड तक आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे तैयारी हो जाएगी अगर आप ये चीजें फॉलो करते हैं तो, राइट? सो दीज आर सम टिप्स विच इफ यू यू आर जस्ट फॉलोइंग दीज, आपका स्मूथली चलेगा बेटा अकाउंटिंग होल ईयर, राइट? अगर आप ये अप्रोच लेके चलो कि लास्ट के 4-5 दिन में पढ़ के दे देंगे, तो देन बिलीव इट, योर सीनियर्स आर राइट, है ना? कि अगर आप ये चीज करने का सोच रहे हो तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, है ना? ये तो हर सब्जेक्ट का ही रहता है बेटा, ठीक है जी? लेट मी टेल यू द सिलेबस ऑफ सीबीएसई, जो आपका सीबीएसई सिलेबस रहेगा, आपका बेटा दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2, ठीक है जी? इसमें आपके 3 यूनिट आ जाएंगे। फर्स्ट यूनिट आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का हो जाएगा, सेकेंड यूनिट आपका अकाउंटिंग प्रोसेस का, और थर्ड यूनिट आपका हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटरशिप, ठीक है जी? तो आपका ये जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है ये है 12 मार्क्स का, अकाउंटिंग प्रोसेस 44 मार्क्स का, और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज ऑफ 24 मार्क्स, राइट? सो दिस इज हाउ होल ऑफ योर 80 मार्क्स विल बी कंक्लूडेड। प्रोजेक्ट वर्क आपका बचे 20 मार्क्स का हो जाएगा, तो 100 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम है, राइट? व्हाट इज इन द फर्स्ट यूनिट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में, आपको यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अकाउंटिंग, है ना? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, व्हाट आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सो दीज थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड इन द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फर्स्ट। सो ये सारे प्रिंसिपल्स लिखे हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग में रहते हैं, तो ये सारी चीजें आप देखोगे। फिर देन कम्स द अकाउंटिंग प्रोसेस, द होल प्रोसेस यू विल अंडरस्टैंड कि फ्रॉम वेयर अकाउंटिंग बिगिंस एंड कहाँ जाकर वो खत्म होता है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा जर्नल, उसके बाद कैश बुक आप लोग पढ़ेंगे, है ना? फिर उसके बाद आप स्पेशल सब्सिडरी बुक सारी पढ़ेंगे, लेजर पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे। सो ये आपका प्रोसेस से थोड़े से अलग रहते हैं, बट अकाउंटिंग प्रोसेस के यूनिट में ही काउंट हो जाएगा, राइट? ठीक है जी। उसके बाद आपके पास ये सारी चीजें करने के बाद ट्रायल बैलेंस भी बना लोगे, जब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद यू विल अंडरस्टैंड हाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर व्हाट बेटा? दीज आर द स्टेटमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंटेड टू द आउटसाइडर्स एंड इनसाइडर्स, बेसिकली द इंटरेस्टेड पार्टीज जो भी रहते हैं अकाउंटिंग के, या फिर इंटरेस्टेड पार्टी जो भी रहते हैं आपकी फर्म के, उनके लिए जो भी स्टेटमेंट हम बनाते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोपराइटर। सो वो आप बनाएंगे, वो सीखेंगे एंड में, तो ये प्रोसीजर यहाँ पर एंड होता है। तो बेसिकली योर होल बुक इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रोसीजर फॉलोड बाय सोल प्रोपराइटर फ्रॉम जर्नल, फ्रॉम रिकॉर्डिंग टू इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। सो दीज थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड स्लोली स्लोली, एंड तक जाते जाते ही आपको पूरा प्रोसीजर जब आपकी बुक खत्म होगी तब समझ आ जाएगा, राइट? सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर सिलेबस, यू कैन जस्ट रिव्यू इट वंस, रीड ईच एंड एवरी पॉइंट इफ यू वॉन्ट टू, अदरवाइज जब आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे सारी चीजें समझ आती जाएंगी। सो ऑफकोर्स सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर्स ऑफ क्लास 11, सो स्टे कनेक्टेड, स्टे इन टच विद द चैनल। ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू अपलोड अमेजिंग वीडियोज एंड अपलोड द अमेजिंग कंटेंट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स, तो जल्दी आएगा बेटा। Apart from that, this much only we are covering for today. Thank you so much for cooperating. Thank you so much for listening. If you have any doubts, just mention in the comment box. I will try to answer them.
इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू कॉमर्स, और जल्दी अभी अभी एंटर किया है हमने 11, तो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स. ऑफ कोर्स आई विल ट्राई टू आंसर एंड देन लेट्स मीट इन द कमिंग सेशंस. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.